Friends, today I request all our governments and government institutions and all other bodies which are working in this direction, and such a request is made to all other relevant parties and competent authorities, that a website, a portal defining the guidelines of building houses, for example, services like that of an architect, that of a civil engineer, such services must be freely provided to poor people, especially in our country, by governments and different development authorities, etc., and housing authorities, etc., so that poor people who don't have any access to technology or any technical know-how, or who cannot afford to hire technical people like architects, civil engineers, etc., can access to such an information and use that information in building their houses or small business establishments, etc. Mitro, aaj main aap sabse ek anurodh kar raha hu ki hum sab sarkaron ko, hamari sarkaron ko सबसे, और जनता से भी कह रहा हूं कि आप सरकारों से कहें जिससे कि वो ऐसी व्यवस्था बनाएं, एक वेबसाइट बनाएं या पोर्टल बनाएं या हेल्पलाइन इशू करें, हेल्पलाइन नंबर्स इशू करें, जिससे कि जो निर्धन व्यक्ति हमारे यहां हैं, गरीब लोग हैं, वो अपना घर या दुकान या कोई और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई निर्माण करना चाहते हैं, तो उस निर्माण के लिए उन्हें आर्किटेक्ट की सुविधा, आर्किटेक्ट की गाइडलाइंस, कैसा वो निर्माण करें, या उनका मकान जिस क्षेत्र में है उस वहाँ की सॉयल मिट्टी कैसी है, तो नींव की मकान की गहराई कितनी हो, नींव कैसी रखी जाए इत्यादि, या जो स्लेप है वो कैसी हो, उसमें मसाला कितने रेशियो का हो, कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना मोरंग, ये सारी जो दीवारें कितनी मोटी हों, नींव की गहराई कितनी हो, ये सारी जो जानकारी है ये क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स जो क्वालिफाइड हैं इस क्षेत्र के, उनके द्वारा कलेक्ट करके सरकार एक पोर्टल पे डाले और उसको क्षेत्रवार बांटे कि भाई इस क्षेत्र में मृदा की, सॉइल की, मिट्टी की ये क्वालिटी है, इसलिए नींव इतनी गहरी होनी चाहिए, अगर मकान आपको इतने मंजिल बनाना है तो नींव इतनी होनी चाहिए। ये सारी जो मकान से निर्माण से सिविल इंफॉर्मेशन है, मकान निर्माण संबंधी जो राजगिरी संबंधी जानकारी है, ये हमारे निर्धन व्यक्तियों के लिए विशेषकर और बाकी सबके लिए भी एक प्रदान की जाए, जिससे कि लोग आसानी से उस गाइडलाइन का, सूचना का लाभ लेते हुए उस अनुसार घर बनाएं, तो अपना उनका पैसा भी सुरक्षित रहे और उसका सही इस्तेमाल हो सके। और दूसरी एक बात कि जब हर बार गली हम देखते हैं कि गली हमारे घर के सामने की बनती है स्ट्रीट, तो हर बार उसकी ऊँचाई कुछ बढ़ जाती है, पिछली बार से गली थोड़ी ऊँची हो जाती है, और जो मकान बना था कभी वो गली से अगर एक दो फुट ऊंचा था तो वो गली से आगे जाने पर 15-20 वर्षों के बाद गली से नीचे हो जाता है, गली ऊंची हो जाती है, या सड़क ऊंची हो जाती है, मकान नीचे धंस जाता है, तो सारा बरसात का पानी, गंदगी सब मकान में आती है। तो ये जो एक डिफेक्ट है, जो इसको दूर करें सरकारें, और जो भी लोग इसमें ठेकेदार, इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, उनको ये गाइडलाइंस जारी करें कि गली की ऊंचाई जो लगातार हर बार बनने पर, निर्माण होने पर ऊंची हो जाती है, ये ना हो, और सभी के लिए इस प्रकार की जो तकनीकी जानकारी है वो निशुल्क वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से दी जाए, जिससे कि हर एक आदमी अपना भवन निर्माण, दुकान या जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनका निर्माण सही ढंग से कर सके, जो इस जानकारी को पाने के लिए विशेषज्ञों को, विशेषकर आर्किटेक्ट्स या सिविल इंजीनियर्स को हायर नहीं कर सकता, उनको फीस नहीं दे सकता। धन्यवाद।